तमुल आपे जमाने में ब्योल कबे देख जा ब्योल जब दोहर महीने छुट्टी हुई नी बेकार बेटी बेकार बेटी जी साल बाद है देख लियो और तरतली दिन दो दिन तो नंजीना है जी नी हे गाइस आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 6:30 और कल बारिश हुई है बहुत तेज, तो आज ठंड भी स्टार्ट हो चुकी है। अदरवाइज यहाँ भी नॉर्मल वेदर था, लाइक थोड़ी बहुत गर्मी हो रही थी और काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा था, पर आज तो ठंड हो रही है। मतलब देखो दिल्ली में गर्मी से हालत ख़राब है और यहाँ भाई साहब ठंड लग रही है। मैंने देखो स्वेटर डाल दिए और आज आपको ज़्यादा क्लीन दिखेगा ब्लॉग में, क्योंकि आज जो आग वाग लगी थी और जो धुआं उड़ रहा था ना, वो सारा कल बारिश से बिल्कुल बैठ चुकी है सब चीज़ें। तो काफ़ी अच्छा सा वेदर हो रखा है। और ये हमारी मम्मी जी, ये देखो सुबह के कामकाज में लग चुकी है एज यूजुअल, पानी भरना। और ये पापा जी ने साफ़ सफाई करा के, आप अपने यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे हैं। ये देखिए दाढ़ी बनाने की यहाँ पे तैयारी चल रही है, ये देखिए तो ये देखिए बिल्कुल। और ये अपनी मैडम से यहाँ पे गुफ्तगु कर रहे हैं कि कल का यहाँ पे ब्यौरा दिया जा रहा है कि हमने क्या कल किया, क्योंकि आजकल आप जानते ही हो होम मिनिस्ट्री को बिल्कुल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है बराबर कि क्या आपने पूरे दिन में किया। तो वही यहाँ पे चल रहा है और जड़ से ये कड़कड़ा रहे हैं। ये दिल्ली से तो बड़े हीरो शान में आए थे, कई गर्मी है वहाँ, धुआं है वहाँ, पर एक ही दिन आज इनको ठंड कर दिया है मौसम ने। तो ऐसा है कुछ, अभी हम ताड़ी खेत जाएंगे और फिर बरेती भी जाएंगे, तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। और ये देखो आसपास का वेदर, ये लुट्ठे अम्मा लोगों के घास के लुट्ठे, ये देखो। और कल रात गए थे हम पार साइड रिसेप्शन में, तो भाई इतना डांस किया और फुल रेन डांस चल रहा था क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी और लोग डांस करना छोड़ते नहीं हैं। तो बढ़िया यहाँ पे बिल्कुल मस्त इंजॉय किया कल हमने। और आज उसी में हम बरेती भी जाएंगे, बारात जा रही है बुढ़ा सुरना, तो आज आपको वहाँ का भी ब्लॉग दिखेगा, ताड़ी खेत का भी ब्लॉग दिखेगा। तो चलो करते हैं आज के दिन की शुरुआत और आपको भी आज का लाइफ स्टाइल दिखाते हैं। तो चलो चलते हैं। तो गाइस नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अभी निकलना है हमको ताड़ी खेत के लिए। ताड़ी खेत से वापस आएंगे बगौली पोखर, फिर बारात के साथ शामिल होंगे, फिर बारात में जाएंगे। तो अभी निकलते हैं अभी के लिए, और मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है, हेलमेट वगैरह लेते हैं और फिर सीधे निकलते हैं ताड़ी खेत के लिए। तो चलो गाइस ये है, और ये है भाई साहब, चाबी दे। ओके भाई, मम्मी एक काम कर दिया प्लीज, ध्यान आगे सोच दी मम्मी। तो चलो गाइस निकलते हैं। जय माता दी मम्मी, जय माता दी। बाइक चाबी लेके से क्या मस्त आज क्लियरिटी देखो ये। और पार जहाँ शादी है बैंड वैंड वाले आ चुके हैं, वो भी ना पोखर मार्केट से आते हैं, तो वो पहुँच चुके हैं और हम भी अराउंड 10:30 11 11:30 11 के अराउंड बगौली पोखर पहुँच जाएंगे और निकलते हैं अभी के लिए। स्कूटी यहाँ पे पार्क करी है, वो हमारा घर है पार वो वाला ये, और निकलते हैं अभी के लिए। और ये हनोनी जो देख ले फॉर्म सुग्रनल सुगो तो गाइज अभी हम पहुंच गए हैं ताड़ी खेत आरटीओ ऑफिस में, और अब कुछ ही टाइम में हम यहाँ से निकलेंगे, भाई का लाइसेंस बन रहा है और फिर शादी में जाएंगे। ये है आरटीओ ऑफिस ताड़ी खेत, ये देखो। तो गाइज ताड़ी खेत में लग चुका था काफ़ी टाइम,
हम अराउंड 12 बजे वहाँ से फ्री हुए हैं और 1 बजे यहाँ पहुँच चुके हैं। तो कहीं हमने सोचा था कि 11 बजे हम बारात के साथ शामिल हो जाएंगे, और बारात की तो आधी गाड़ियाँ खाना वाना खा के निकल भी चुकी हैं। तो अभी हम तो जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। तो चलो चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं। तो गाइज हम तो अभी पहुँच रहे हैं, 1:30 बजे अभी, और बूबू जी भयंकर खा पी गए यहाँ पे मस्त। हाँ राखे से मिला जर्सी, राखे रोटी मिला वो काम की लाइसेंस लाइसेंस बना दिया तो आगे तो एक भात लग रहा था। तो गाइज बुड्ढा सुरना में हम पहुंच चुके हैं, और जवान है वैसे सुरना में जवान लोग रहते हैं, तो बुड्ढे सुरना में बुड्ढे लोग रहते हैं। तो अब देखो ऐसे हैं पहाड़ के रास्ते, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा ब्योल की कसी लाल डोली में। अब देखो दी पार्टी भयंकर हरी कथा ये थाने जाना नहीं खाल है, पटाखा फूट रही बनियो। ये देखो गाइस, तो गाइस पहुंच चुके हैं और वहाँ जयमाला के गाने लग रहे हैं, इसका मतलब जयमाला हो चुकी है। ये देखो यहाँ पे ये पॉली हाउस है इतने मस्त, ये देखो मछलियाँ मच्छी तालाब बरीती था खरीदी था तुम, ये देखो बरीती आ भी गए हम अभी पहुँच रहे हैं यहाँ पे। अरे पीण खाना व्यवस्था छो, यहाँ पे चाय पानी हुआ था गाइस, देखो हम तो खाली गिलास ही देखने के लिए आए हैं। ये है वेन्यू, तो जस्ट पहुँचे ही हैं अभी और गाना बंद हो चुका है, आई डोंट नो व्हाई। दादी आ रहे वहाँ, और जय माता भात पकाया झोली, बस अपना तो यही है भात और झोली। अरे पनीर 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 यार, मटर क्यों पनीर। हाँ ये तो नाच ना, तो वो बोल रहा है कि दूल्हे पापा ने मना कर दिया जन्म भर तुम लोग होड़ तो मारा खवाओ मुंह में खाओ। अरे यहाँ के बोला क्या है, अरे शॉल वाले, अरे अरे शॉल वाले बैठो 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 क्या हो गया। जो जो सारे मंत्र पढ़िया, हाँ शॉर्टकट जन मारिया
यो देखो पपीतला सुमा तो। अरे जोजू जोजू मंत्र से पढ़िया शॉर्टकट मारा नहीं आए तबला आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लिया भाई बोल देना सारे मंत्र पढ़ने को। हम आजकल ब्याह भर लागन है पहले का ब्याह भर लीजिए हम से कंटेंट लिया जाएगा है हम पहले का ब्याह शॉर्टकट फिर तब उन्हें ब्याह शॉर्टकट में चली थी नहीं चल रहा पे तम आप जमाने में ब्याह कभी देखा जब दोहर महीने छुट्टी हुई थी नी देख लियो और तर तली दिन दिन तो नंजी ना जाजी नहीं ब्याला मोहर को देखी जी है ब्याला मोहर को देखी जी ब्याला मोहर तो देखी ब्याली मोहर ब्याला मोहर देख मैं यहाँ कहीं आया ये देखो आमा हमारा नहीं देखने आमा ब्याला मोहर नहीं देखी जी हम आजकल हम फेसबुक में देख दी नहीं को तो गाइस खाना वाना खा के और थोड़ी डांस करके और थोड़ी हंसी मजाक करके हम निकल चुके हैं। ये देखो हमारे बैंड वाले भाई साहब यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। ये देखिए जो नागिन नागिन लगाया ना इन्होंने सब नागिन हो गए। ये तो ये है बुड्ढा सुनना देखो मेरे को ना हमारा ननिहाल ना थोड़ा सा ऊपर है और क्या कहते हैं जब भी मैं गांव जब तक मैं गांव में था ना मतलब दसवीं तक मैंने जैसे पता ही आपको गांव से पढ़ा हुआ है तो तब हम इसी बिंता से यहां से पैदल रास्ते से होते हुए ननिहाल जाते थे। ये देखो यहां दुकान भी थी पहले जब मैं नैनीताल को जब मैं ननिहाल को जाता था ना यहां से चीज़ खाता था अब पता नहीं है नहीं है अब तो रोड भी आ चुकी है तो अब तो ज़रूरी होगी अब तो होगा ही होगा मेरे ख्याल से बाकी देखते हैं। तो गाइस शादी अटेंड करके लाइसेंस का काम करा के और बुआ के वहाँ जाके हम आ चुके हैं और अभी घर पहुँच चुके हैं। ये हमारे चचा जी ये हमारे चचा जी तो अभी चलते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में गौरी भैया के साथ। मुझे जान चोल मालूम जान पड़ोस भाई गौरी की शादी की तैयारियाँ चलने लग गई हैं। ये धूम धड़ाके से ये देखो दादा